ए रुक मिल जाको नाम सिद्ध संकाम देव ने कियो ओए गिरधारी संग विवाह वचन दे दियो ओए बनवारी संग विवाह वचन दे दियो वचन दे दियो राजा भी समक्ष से नारद बोले बाबा तुम्हारी इस बिटिया का विवाह भगवान कन्हैया के साथ होगा। राजा भीष्मक बड़े खुश हुए, कहने लगे नारद अरे मेरी तो किस्मत बदल जाएगी, जो भगवान मेरा दामाद बन करके मेरे आंगन में आएंगे दूल्हा बन करके। राजा बड़ा खुश हुआ, अरे खुशा वक्त सी छाए गई मन में आ मन में राजा लिपट गो चरणों में अरे पकड़ कलाई रे पीछा भवन में अरे पीछा भवन में और बैठा ले रे आंगन में और बैठा ले रे आंगन में। इधर नारद बाबा ने समझा दिया और इधर नारद बाबा इतनी बात कह करके चले गए और इधर रुकमणी धीरे धीरे बड़ी होने लगी है। एक संत जी गाते हुए जा रहे हैं कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग है जिसके हो दीदार कन्हैया का। बड़े भाग होंगे जिसके भगवान के दर्शन हो जाएंगे। रुक्मणी ने सुना कि भगवान का अवतार हो गया है। आज रुक्मणी मन में विचार करती है और ये दारे रुक्मणी जब सयानी हुई है मन में विचार करती है मेरी जिंदगी ऐसे ही बीती तो होती जा रही है और मैंने सुना भगवान का अवतार हो गया है। आज रुक्मणी मन में सोच करके बोली है कि सोचने लगी रुक मेरे मन में कि जीवन के ना व्रत जा रहे रुक्मणी मन में कि मेरा जीवन यूं व्यतीत होता जा रहा है और भगवान का अवतार हो गया है। कन्हैया माया जैसे जग राज रही, तुम कहां सो रहे हो, माया यहां है और
हमारी रुकमणी यहाँ विराज रही है। माया जिस जगह विराज रही, मायापति कहाँ सो रहा है। आज रुकमणी मन में विचार करती है,